नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ में सदानंद मिश्र बने अध्यक्ष, हटाए गए अक्षरवर भाई पटेल। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की बैठक सिदारी स्थित विद्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता रामचंद्र राय व संचालन सौरभ उपाध्याय ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक भगवान प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि किसी भी संगठन के उत्थान के लिए पदाधिकारियों की मुख्य भूमिका रहती है। वर्तमान समय में पत्रकारों का उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है। पत्रकारों के हित के लिए लगातार महासंघ संघर्ष कर रहा है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि पत्रकारों को मानदेय दिया जाए और उनके स्वास्थ्य शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। पत्रकार ही निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा करता है। महासंघ का चुनाव हर वर्ष होता है। इस बार निर्विरोध जिलाध्यक्ष डॉक्टर सदानंद मिश्र को चुना गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉक्टर सदानंद मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय संयोजक ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन सत्य निष्ठा लगकर व ईमानदारी के साथ करूँगा। रोम रोम बेच दूंगा, लेकिन पत्रकारों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। बैठक का उद्देश्य रहा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को जिले में स्थापित करना और जिले के सभी संगठनों से आगे बढ़कर के पत्रकार हित में काम करना। आज आपको सर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? इस नए पद का निर्वहन हमारे द्वारा किया जाएगा और इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस नए पद की जिम्मेदारी का भार उठाने के लिए और हम पूरी जो संगठन की जो टीम है और हमें इसकी शक्ति दें ताकि संगठन में कोई कमी न रहे, संगठन के पदाधिकारियों को कोई शिकायत न मिले, संगठन के सदस्यों को किसी पदाधिकारी से कोई शिकायत न मिले। यदि पत्रकारों का उत्पीड़न कहीं होता है तो ये संगठन आगे बढ़ करके उनकी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए उसका समाधान करेगा।